हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई द फॉलोइंग, क्या वेरीफाई करना है? देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखो ये सब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जीरो है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो उनकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है, और जीरो नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले। ए बी प्लस बी सी इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए प्लस ए बी और सी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। देखो, इन दोनों ब्रैकेटों के बीच क्या साइन है? कोई साइन नहीं है। मीन्स दोनों ब्रैकेट्स का करना है मल्टीप्लाई। करते हैं, पहले करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई ए ए बी माइनस बी सी से। फिर ये बी सी है ना, ये बी सी, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे, ए बी माइनस बी सी प्लस। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, तो दोनों ब्रैकेट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस सी ए, और सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस सी ए। आप देखो, इस सी इन दोनों ब्रैकेटों के बीच कोई साइन नहीं, मिस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देखो, ये सी ए का मल्टीप्लाई होगा सी ए माइनस ए बी, और ए बी का मल्टीप्लाई होगा सी ए माइनस ए बी से, बराबर जीरो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो। देखो, ए सेम वेरिएबल, तो देखो ए बी इंटू ए बी, और पता है सेम वेरिएबल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है ए बी इंटू बी सी, ये प्लस का ये माइनस का, सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करने पर माइनस। साइन तो क्या आएगा? माइनस। ए डिफरेंट वेरिएबल है, लिख लो। बी सेम वेरिएबल है, और सेम वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई करती है तो होता है पावर एड, बी पावर टू सी। अब इसका देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है बी सी का ए बी से। ए डिफरेंट है, बी सेम वेरिएबल है, बी स्क्वायर सी, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी स्क्वायर सी। अब बी सी को बी सी से करेंगे, तो देखना, पहला बी सी प्लस का, दूसरा बी सी माइनस का, और मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है और डिफरेंट साइन का माइनस। ये दोनों साइन सेम है, डिफरेंट डिफरेंट, तो साइन आ जाएगा माइनस। अब बी बी सेम वेरिएबल, तो बी स्क्वायर सी सी सेम वेरिएबल, सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां करेंगे बी सी को बी सी से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो, करना है बी सी को ए सी से, प्लस बी सी इंटू माइनस सी ए। अब सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा? प्लस, और डिफरेंट का करेंगे तो माइनस। अब ठीक है, तो यहां बी सी को सी ए से करना है ना, तो बी डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, और सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर। इसमें करो, देखो सी ए इंटू बी सी, तो ए बी तो डिफरेंट है, सी अलग है, सेम है,
तो सी की स्क्वायर हो जाएगी। अब सी ए का करना है, सी ए से ये सी ए प्लस ये सी ए माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आया समझ में? अब ये सी ए इंटू सी ए करोगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां सी ए इंटू ए बी, देखो ये सी ए का ए बी से करना है तो ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर बी सी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, यस माइनस कर। अब इनका करोगे ए बी इंटू सी ए, ए बी इंटू सी ए, तो ए सेम वेरिएबल ए स्क्वायर बी सी, प्लस का ए स्क्वायर बी सी, ये प्लस ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया यार, देखो है ना, तो लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर है माइनस ए बी स्क्वायर सी, देखो ये रहा प्लस ए बी स्क्वायर सी, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, फिर देखो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाओ क्या आ गया जीरो, ये देखो सेम है एक प्लस में एक माइनस में, ये भी सेम है एक प्लस माइनस में, ये भी सेम है एक प्लस माइनस में, ये भी सेम है एक प्लस माइनस में, ये भी सेम है, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड में भी जीरो राइट हैंड में भी जीरो, तो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, एक नंबर को मिटा दें यहां से, चलो इरेज कर देते हैं इसको। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर टू। तो टू में देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड का कैलकुलेशन किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड के, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का कैलकुलेशन राइट हैंड के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे ये वेरीफाई है अन्यथा नहीं। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच क्या है मल्टीप्लाई, तो पहले हम इस ए का गुणा कर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब सी का मल्टीप्लाई करना है किसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो करते हैं मल्टीप्लाई, ए का ए स्क्वायर से करो, ए क्यूब हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए ए सेम वेरिएबल है और सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है पावर एड, यहां पावर वन है यहां टू थ्री हो गई। अब ए का करना है बी स्क्वायर से, देखो ए इंटू बी स्क्वायर, वेरिएबल सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है तो ये ऐसे लिख लिया जाएगा, फिर ए का करेंगे सी स्क्वायर से ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर ए का करना है देखो ए बी सी माइनस ए बी सी, देखना ए का माइनस ए बी सी, पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले किसको चेक करते हैं साइन को, यहां प्लस साइन है यहां माइनस है, साइन सेम है डिफरेंट,
डिफरेंट, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, ए सेम वेरिएबल है, पावर वन वन जोड़ दो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ये आ गया माइनस ए स्क्वायर बी। अब ए का करना है बी सी से, तो ए बी सी तीनों अलग हो गए ना, तो ए बी सी, ए का करना है सी ए से, देखो ए प्लस है सी ए माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, सेम साइन है डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, ए सेम वेरिएबल है ए स्क्वायर सी, ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी। अब इनका करें, बी को ए स्क्वायर से करेंगे ए स्क्वायर बी, बी को बी स्क्वायर से करेंगे बी क्यूब, बी को सी स्क्वायर से करेंगे बी सी स्क्वायर, बी को ए बी से करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर, बी को बी सी से करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी, और बी को ए सी से करेंगे माइनस ए बी सी। अब ये सी को ए स्क्वायर से करेंगे प्लस ए स्क्वायर सी, सी को बी स्क्वायर से करेंगे बी स्क्वायर सी, और सी को सी स्क्वायर से करेंगे सी क्यूब, माइनस ए बी सी, सी को करेंगे बी सी से माइनस बी सी स्क्वायर, सी को करेंगे सी ए से माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, उनको पहले लिख लें, ए पावर थ्री, बी पावर थ्री और सी पावर थ्री, इनको लिख लें पहले, ए पावर थ्री, बी पावर थ्री और सी पावर थ्री, लिख लिया। चलिए आप देखो हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो ये लिख लिया एसी प्लस का, एसी किस चीज का है, प्लस का, और कहीं एसी है, एसी स्क्वायर, एसी नहीं है एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस का और एसी स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का कटता है, देखो कटता है नहीं, ए स्क्वायर बी माइनस और ये ए स्क्वायर बी प्लस कटता है, ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का, फिर बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर प्लस का और बी सी स्क्वायर माइनस का, ए बी स्क्वायर माइनस और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पीछे ये रहा, फिर रह गया बी स्क्वायर सी माइनस और बी स्क्वायर सी प्लस। अब क्या बच गया देखो, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी और क्या रह गया, माइनस ए बी सी, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए बी सी ए बी सी ए बी सी माइनस कितने, थ्री ए बी सी। तो ये किसको सोल्व किया आपने, एलएचएस को, और आरएचएस में क्या है देखो, तो हमने लेफ्ट हैंड को जो सोल्व किया वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड के, इस प्रकार ये सोल्व हुआ। थैंक यू।